मंत्री बालकृष्ण पाटीदार के द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के प्रति अनर्गल टिप्पणी से आहत होकर कसरावत प्रेस क्लब अध्यक्ष ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। तहसील पत्रकार संघ सहित प्रेस क्लब के द्वारा मंत्री बालकृष्ण पाटीदार को पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम नेहा शिवहरे को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकार समाज के प्रति अनगल एवं दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां की है। इन टिप्पणियों ने लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका लोक कल्याणकारी समाज हितेशी होती है और पत्रकारिता देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मध्य प्रदेश के मंत्री द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर दी गई अनगल टिप्पणियों से पत्रकार समाज में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर नगर के पत्रकार साथियों ने मांग की है कि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार को मंत्री पद से हटाकर उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की मांग की है। कसरावत से सुधीर सराफ की रिपोर्ट। लेकिन अपन उसमें के नेता नहीं, मैं कहता हूँ इनको कि भाई मेरे पास मेरा माउथ मीडिया न, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न प्रिंट मीडिया, मेरे पास मेरा माउथ मीडिया इतना मजबूत है कि तुम्हारे तरीके की जो टिप्पणी पत्रकारों के लिए की गई है वह आने वाले समय में उन्हें पता चलेगा कि मीडिया क्या होती है और मीडिया क्या कर सकती है। जिला नहीं प्रदेश व देश में भी पत्रकारों में विधायक बालकृष्ण पाटीदार के खिलाफ रोष है। पूरा मीडिया जगत में जगह जगह बालकृष्ण जी पाटीदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन व नारेबाजी।